एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रौनक रेसिपी में। आज की रेसिपी है गोभी की सब्जी। गोभी की सब्जी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तैयार किया जाता है। आप किसी भी तरीके से आलू गोभी की सब्जी को बनाएं, आलू गोभी की सब्जी बहुत ही लाजवाब बनती है, साथ ही ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो बिना देर किए हुए जानते हैं आलू गोभी की सब्जी बनाने की विधि। बट फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं गोभी की सब्जी रेसिपी। गोभी की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे आधा किलो फूल गोभी लेनी है, और फूल गोभी को हमें पहले अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद हमें इसे कुछ इस तरीके से पीसेस में काट लेना है। दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, आलू को हमें पहले छील लेना है और छील के इसे धो लें, और धोने के बाद इसे अच्छे से काट लें। दो लिए हैं मीडियम साइज़ के प्याज, और प्याज को हमें बारीक और थोड़ा सा पतला सा काटना है। इस तरीके से आप प्याज को काट के रख लें। दो लिए हैं टमाटर, और टमाटर को हमने प्यूरी में इस तरीके से पीस के इसके प्यूरी तैयार की है। साथ ही एक चौथाई चम्मच हमें यहाँ पे हींग लेनी है। दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, साथ ही हमने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, एक चम्मच लिया है धनिया पाउडर, साथ ही हमने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये तीखी कम होती है, साथ ही इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप तीखा खाना कम पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर को कम कर सकते हैं। आधा चम्मच नमक लिया है, साथ ही हम एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट यूज करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे एक कढ़ाई में 2 लीटर पानी को अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। जब हमारा पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे आलू, और आलू को डालने के बाद इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक। अब हमें आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आलू को करीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से एक बार बॉईल कर लेना है। जब हमारे आलू थोड़ा सा 3 से 4 मिनट के आसपास बॉईल हो जाए तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे गोभी, और गोभी को डालने के बाद एक बार फिर से हमें इसे अच्छे से एक बार मिक्स करना है। अब हमें गोभी और आलू को करीबन 6 से 7 मिनट के लिए और बॉईल करना है। अगर आप भी इस तरीके से आलू गोभी की सब्जी को बनाएंगे तो आपकी भी आलू गोभी की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर करीबन 7 मिनट के लिए गोभी को और पका लिया है। गोभी हमारी करीबन 80% तक पक जानी चाहिए। जब हमारी गोभी 80% के आसपास तक पक जाए तो उसके बाद हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं गोभी की सब्जी। और गोभी की सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, और कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। जब हमारा सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, साथ ही इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, साथ ही इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। अब हमें प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से एक बार मिक्स करना है, और प्याज को हमें तब तक पकाना है जब तक कि प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट ना होने लग जाए। तो मैंने यहाँ पे प्याज को करीबन 3 मिनट के आसपास तक मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है, तो अब यहाँ पे मिला रहे हैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लें, और लहसुन अदरक के पेस्ट को डालने के बाद हमें प्याज को करीबन 1 मिनट के लिए और भूनना है। तो हमारा प्याज जो है अच्छे से भून के तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं टमाटर की प्यूरी, और टमाटर की प्यूरी को डालने के बाद इसे एक बार फिर से अच्छे से भून लें। अब हमें मिलाना है यहाँ पे नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें।
अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके करीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हीट पे पकाएंगे। तो मैंने टमाटर और प्याज को करीबन 3 मिनट के लिए ढक के पका लिया था, तो इसका कवर हटा लेते हैं और इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारे टमाटर और प्याज ने साइड से ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब इसमें हम मिलाएंगे मसाले, हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें मिलाएंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और साथ साथ इसमें हम मिलाएंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और सारे मसालों को हम अच्छे से करीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो मसाले हमारे अच्छे से पक के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे मिला रहे हैं करीबन आधा बाउल के आसपास पानी, और पानी मिलाने के बाद इसे एक बार हम फिर से कवर करेंगे और कवर करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और पकाएंगे। तो 3 मिनट बाद हमने इसका कवर हटा लिया है, जो हमारी ग्रेवी है परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है। टमाटर और प्याज हमारे मसालों के साथ अच्छे से पक चुका है। तो अब यहाँ पे मिला रहे हैं हम गरम मसाला पाउडर, और गरम मसाला पाउडर को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें टमाटर और प्याज की ग्रेवी मिलानी है बॉयल किए हुए गोभी और आलू। बस अब हमने ग्रेवी और को अच्छे से आलू गोभी के साथ मिक्स करना है। इसे मिक्स करते हुए करीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से ग्रेवी के साथ इसे भून लेंगे, अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। तो अब इसे हम एक बार कवर करेंगे और कवर करके इसे 5 मिनट ढक के पकाएंगे। 5 मिनट इसे पका लिया है, तो इसका कवर हटा लेते हैं। एक बार फिर से इसे चलाएंगे। अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे हाई, और हाई फ्लेम पे अब हम इसे करीबन 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी को करीबन 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और पका लिया है। हमारी गोभी की सब्जी बनके तैयार है, परफेक्ट तरीके से बनी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी डिलीशियस गोभी की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे सर्व करें रोटी के साथ या पराठों के साथ। आप भी इसी तरीके से आलू गोभी की सब्जी को घर पे बना सकते हैं। तो आपको मेरा गोभी की सब्जी बनाने का तरीका कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, रेसिपी अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप बने रहें रौनक रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।